टांगे वाला आया, उसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, गाड़ी बहुत दूर खिचड़ती भी गई, अरे बट मजे की बात यह है कि मेरे हाथ पैरों में भी चोट नहीं आई और ये गाड़ी तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप देख सकते हो, अगर आप आगे से पीछे तक गाड़ी देखोगे ना तो बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है इसको, इसमें कुछ भी इतना सा भी फर्क नहीं आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 411 का। अब ये एक मिनी वर्जन भी है हिमालयन का, और काफ़ी सारे लोग अगर हिमालयन लेने से कतराते हैं या फिर एक हिमालयन की जगह कोई और बाइक लेना चाहते हैं जो कि रॉयल एनफील्ड की ही हो, तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड ने एक दूसरा ऑप्शन निकाला था जो कि था स्क्रैम 411। खैर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बाइक के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करूंगा जो कि एक ओनर ने खुद एक्सपीरियंस किया इसको चलाने के बाद। तो चलिए इसके ओनर को बुलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं नितिन भैया जो इसके ओनर हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल नितिन भैया। तो भैया आपने ये कब, कितना टाइम हो गया इसे परचेस किए हुए? इसको मैंने 20 जुलाई यानी मेरे बर्थडे वाले दिन ली थी। अच्छा, करीब 4-5 महीने तो हो गए। चार नहीं, जुलाई से अब तक 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने हो गए। और याद है कि जब लॉन्च हुआ है उसके ही आसपास आपने ये लिए? मतलब इस कलर की बोला जाए तो ये गाड़ी सिर्फ बरेली में मेरे पास थी। हाँ, ये एक्चुअल में ये कलर मेरे को काफी बढ़िया लगा। जब मैंने इसके ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल भी चुका हूँ, जब ये आई थी तब मैंने डाली थी, लेकिन ये वाला कलर शोरूम पे अवेलेबल नहीं था। तो लेकिन ये पर्सनली देखने में मुझे बाकी कलर से काफी बढ़िया लगा। मैंने जब गाड़ी ली थी ना, हाँ, तो एक्चुअली जब मैंने उसको पसंद आई थी तो मेरे को यही कलर पसंद आया था। अच्छा। और इत्तेफाक की बात है, एजेंसी पे गाड़ी सी भी यही खड़ी हुई थी और मेरे को चाहिए भी यही था, तो वो मेरा नसीब बोल लो कि मेरे को फिर ये गाड़ी मिली। हाँ, कलर वाकई में काफी प्यारा। ऑल्दो ये जो बाइक है ये 7 कलर ऑप्शन में आती है, तो कलर में इसमें आपको काफी सारी वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी। अच्छा भैया, मैं जानना चाहूंगा कि जो एडवेंचर वाली बाइक्स होती है काफी डिफरेंट तरीके के लोग लेना पसंद करते हैं, तो आप प्रीवियसली बाइकिंग को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जो अब आपने आके ऐसी बाइक परचेस करी जो लीग में थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में जाती है, तो इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे थे ऐसा? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं पहले 2-3 साल से तो स्कूटी चला रहा हूं, उससे पहले मेरे पास अपाचे थी, उससे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन मेरा अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है ना कि हिल्स पे बहुत जाना होता है, हाँ, तो मैं अपनी कार के थ्रू ही जाता हूँ, तो मेरा बाइकर्स को देख के भी मन करता है कि मैं भी बाइक से जाऊँ। और बाइक से एक दो मैंने ट्रिप मारे भी हैं, मैं 2011 हाँ में भी जा चुका हूँ, लंबा ट्रिप मारा था मैंने, तो मुझे भी मन था कि मैं फिर से उस चीज़ पर आऊँ और अपनी बाइक पर अपना एक राइड वगैरह करूँ, हिल्स पर जाऊँ। तो फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसी चीज़ दिखी कि मुझे देख के लगा कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था लेने का, लेकिन बस देखता रहता था और पता नहीं सडन क्या हुआ, ये होते ना किसी बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तो आपके क्लोज आती जाती है। हाँ, तो वो थोड़ा सा माइंड में ज्यादा बैठ जाती है, फिर लगता है कि यार ये ले लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से जुलाई में तो यसडी की एडवेंचर भी आ चुकी थी, स्क्रैम्बलर भी आ चुकी थी, तो वो आप क्यों नहीं कंसिडर की? वो मुझे इतना अट्रैक्टिव पता नहीं क्यों नहीं लगी, हालांकि मैंने स्क्रैम्बलर तो नहीं चलाई थी। हाँ। मैंने वहाँ पे जाबा पिराग थी, हाँ, वो चलाई थी, वो भी मुझे अच्छी लगती थी देखने में। लेकिन उसके बाद जब ये लॉन्च हुई फिर मैंने कोई बाइक देखी नहीं, मैं इतना क्रेजी हो गया था इसको लेने के लिए। हाँ। और एक दिन क्या हुआ, मेरा जो जिम है ना वो उसी साइड पड़ता है ग्रीन पार्क में। अच्छा। तो मैं एक दिन जा रहा था, मैंने बोला चलो अब आ गया तो एक टेस्ट राइड कर लेता हूँ, लेने का कोई सीन नहीं था। हाँ। बट जब मैंने ये बाइक चलाई उसके बाद जब मैं राइड लेके वापस आया तो मैंने कहा बॉस अब तो लेनी है ये। मतलब आपके दिल में फाइनल हो गया था कि ये मेरे लिए बनी है, मेरे लिए बनी है भाई। ठीक है, उसकी सेटिंग देख लो, उसकी बैलेंसिंग मतलब क्लास है। अच्छा, उस टाइम पे ये कितने की आपको ऑन रोड पड़ी थी? मेरे को ये 2.65 की पड़ी थी, क्योंकि इसमें एक्सेसरीज वगैरह भी कुछ लगा रखी है उन्होंने। अच्छा, क्या क्या एक्सेसरीज लगाई उन्होंने? एक्सेसरीज में ये कवर हो गया अपना, ठीक है, इंजन गार्ड हो गया, उसके अलावा इधर साइड में अपना ये एक हिमालय लगा हुआ जो कि मुझे सबसे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लगवा लिया था। उसके अलावा एक ये कवर हो गया इसका साइलेंसर का, और एक चीज़ एक ये लैग गार्ड अपना, ठीक है, लैग गार्ड। चार चीज़ें मिला के मेरे को टोटल जो पड़ी थी, हाँ, वो 2.65 की पड़ी थी। हाँ, लगभग इतने में ही। अच्छा, आपने हिमालयन को क्यों नहीं कंसिडर किया उस टाइम? आपने देखा था हिमालयन? हाँ, हिमालयन मैंने देखी है, हिमालयन मैंने चलाई थी, बट मुझे क्या है ना ज़्यादातर मेरा शहर में ही चलना होता है। अच्छा, ठीक है, और हिल्स पे उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता जितने लोग जाते हैं, जितना ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं तो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शहर के लिए ये परफेक्ट है, उतने एसेसरीज उसमें ऐड नहीं है,
और वो हिमालयन आई थिंक थोड़ी सी इससे ऊंची भी है। हाँ। तो ट्रैफिक वगैरह में मुझे लगता है कि मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा उसमें इशू मुझे हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अगर आपका पर्पस 70% सिटी और 30% टूरिंग में है तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप हिमालयन पे जाते तो वो 100% सिर्फ टूरिंग के ही पर्पस है, वो सिटी पर्पस से है नहीं इतना। सिर्फ वही रीजन था, वरना गाड़ी वो भी बहुत क्लास है। हाँ, उसका चलाने का मजा भी उतना ही है जितना इसको है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर जो लोग स्क्रैम 411 ले रहे हैं वो इसको हिमालयन भी बना सकते हैं। हाँ। क्योंकि कुछ एक्सेसरीज हैं जो जैसे वाइजर लगा लो और इन्होंने मेन स्टैंड हटा दिया है। हाँ। ऐसी दो चार चीजें हैं जो कम करके ही इसको 411 बनाया गया है। ऑल्दो मुझे लगता है ये सेम हिमालयन जैसी ही है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इंजन भी एग्जैक्टली सेम ही है। अच्छा, पहले हम ये बात कर लेते हैं, आपने इसको कितना टोटल चला दिया अभी तक? मेरी करीब 3000 चल गया है। ये 3000 चल गई। मैं आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ। 2635 किलोमीटर चल चुकी है। 2635 किलोमीटर चल चुकी है टोटल 3 महीने में। अच्छा, इतना चलाने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्वालिटी को कैसा लग, को बिल्ड क्वालिटी को लेके कैसा लगा अभी तक? आपको कमी फील हुई? मैं बिल्ड क्वालिटी को लेके इसका बता दूँ अपना एक्सपीरियंस अभी एक महीने पहले का शेयर कर दूँ। मैं अभी, मेरा भी एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और ब्लाइंड एकदम से कर्व लेता हुआ एक टांगे वाला आया, उसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। गाड़ी बहुत दूर खिंचती भी गई, बट मजे की बात यह है कि मेरे हाथ पैरों में भी चोट नहीं आई और ये गाड़ी तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप देख सकते हो, अगर आप आगे से पीछे तक गाड़ी देखोगे ना तो बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है इसको। इसमें कुछ भी इतना सा भी फर्क नहीं आया। तो बिल्ड क्वालिटी की बात ये रही, और उसके बाद आई चलाने की बात। मैंने जितनी मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, मुझे नहीं लगता इससे स्मूथ और इससे बढ़िया मेरे को एक्सपीरियंस अभी तक कहीं मिला। मतलब इसके जो बैलेंसिंग ले लो और इसकी जो स्मूथनेस ले लो, बहुत रिफाइन इंजन है इसका, जो सच में बड़ा मजा आता है इसको लॉन्ग राइड पे करने में। अच्छा, आपने टोटल लंबी ट्रिप अभी तक इस पर कितने किलोमीटर की मारी? एक्चुअली मैं संडे राइड पे भी जाता हूँ, मेरा ग्रुप बने हुए हैं, तो एक दिन मैं संडे राइड पे गया था अब यहाँ घर से 20 किलोमीटर दूर। ठीक है। वहीं पे जब वो वापस आ रहे तो मेरा सडन प्लान बना क्यों ना मैं अपनी सिस्टर के घर चले जाऊँ। तो वहाँ से मैंने 20 किलोमीटर कवर करके 100 किलोमीटर और मैंने चलाई, मतलब 120 का ट्रिप मैंने वो रैंडम मतलब बना दिया। ठीक है, जब बाइक ऐसी हो तो सडन ऐसा प्लान बनाने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ट्रैवल के पर्पज से बाइक बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस ट्रिप पे आपको लगभग क्या आप हाईवे पे माइलेज निकाल रहे हैं इससे? वैसे तो मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन 25-27 तो रहता है। ठीक है, 25-27 रहता है, और कंपनी जो है वो भी 30 के आसपास का क्लेम करती है, तो उसके हिसाब से सही है। बट सिटी में आपको लगता है कि 25 से नीचे जाता होगा? मुझे लगता है कि 20-25 के नीचे जाता है, थोड़ा जाता है, थोड़ा सा है। ठीक है, मतलब 20 के अबव रहता है? हाँ, 20 के अबव ही रहता है, उससे कम नहीं होता। ठीक है, तो मतलब माइलेज को लेकर ऐसा बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसमें? मुझे तो नहीं है। ठीक है, आप इतनी हैवी बाइक चला रहे हो, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो आपको मिलने वाली है, इसको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी सीटिंग को लेकर आपको ऐसा लगा कि अपग्रेड करवाने की जरूरत है अगर ट्रैवल के? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी सीटिंग को लेकर बिल्कुल भी इसको कभी जिंदगी में नहीं अपडेट कराने वाला, क्योंकि इतनी प्यारी इसकी सीटिंग है ना, इतना कंफर्टेबल है कि इसको जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ ऐड करने की। हाँ, अब ये है कि मैं जब एक लंबे ट्रिप में जाऊंगा, अभी ये विंटर खत्म होने के बाद, तब मुझे एसेसरीज लगवानी है, बट अभी मैं इस गाड़ी में कोई भी छुआछेड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं 100% सेटिस्फाई हूँ अपनी इस बाइक से। मतलब एक्सेसरीज तो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी लगवानी पड़ती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको सीट अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बाइक में, बिल्कुल भी। इतनी कंफर्टेबल सीट आपको शायद किसी बाइक में मिलने वाली है। ठीक है, और सस्पेंशन आपको कैसे लगते हैं? क्या लगता है कि थोड़े से स्टिफ साइड हैं या फिर बिल्कुल बढ़िया? मुझे ठीक लगा अभी तक तो। ठीक है, आपने ऑफ रोडिंग की इससे? ऑफ रोडिंग की है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको गाड़ी चला के, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मतलब लग रहा था कि हाँ सस्पेंशन है और मेरे को उतना झटके वटके जो लगने चाहिए वो सब नहीं लग रहा। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो वैसे इसकी 200 mm है, ऐसे जो आपको कभी लगे लगती वो सोचना पड़ता ही नहीं होगा कि कहीं भी जैसे कभी ट्रैफिक होता है ना, तो अपने जो रोड के साइड में वो जो ऊंचे ऊंचे बने होते हैं जिसमें लोग चलते हैं, इवन उस पर भी चढ़ा के, हाँ उस पर भी चढ़ा के निकाल के लिया, तो इतना सोचना ही नहीं है आपको, वो लगी ही नहीं कभी। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतनी चला ली, अब आपको ऐसा कुछ कमी लगी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ब्रांड को कि यार ये चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए? मुझे ऐसा अभी एक दो राइड में लगी जब मैं संडे राइड पे गया। हाँ। क्योंकि उसमें R15 भी यामा की थी जो कि 150cc की आई थी। हाँ। और जब मैं अपनी बाइक लेके गया तो मुझे सिर्फ इसकी स्पीड को लेके लगा कि ये 120 से ऊपर जाएगी 120-125 से लेके आई थिंक उससे ऊपर गई नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 140 तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए। जब आप एक 6 लेन रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो और आप इतने बड़ी सीसी की गाड़ी चला रहे हो तो एटलीस्ट 140 तो जाने चाहिए। और इसके अलावा आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बढ़िया लगी लेने के बाद?
वैसे तो मुझे ओवरऑल गाड़ी पूरी सही लगी, क्योंकि जो मुझे कलर चाहिए था वो परफेक्ट है, जो मुझे सेटिंग चाहिए थी वो परफेक्ट है, इसका जो चलाने पे आप बैलेंसिंग होती है वो बहुत गजब की है, कि आप कितनी स्पीड में भी अगर आप उसको कट लगाते हो तो आपको इजीली आप उसको लेके निकल सकते हो। पिकअप गाड़ी का नो डाउट बहुत अमेजिंग है। तो मैं कुछ ही एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ओवरऑल गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत गजब है। और मैं 120 का जो कह रहा था स्पीड, वो मैं तभी कह रहा था जब मुझे वो लोग भागते हुए दिख रहे थे जब मैं रुका, वरना मुझे इस गाड़ी से बिल्कुल उससे भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के हिसाब से 120 मोर देन इनफ। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है, और बहुत ज़्यादा तेज चलानी भी नहीं चाहिए। ऑल दो जो है भैया संडे राइड करते नहीं है, लेकिन उनको इनवाइट कर दिया गया था तो ना कहने की वजह से जो है संडे राइड भैया ने की थी, और उसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिफरेंट एक्सपीरियंस भी इस बाइक से भैया ने लिया, जो कि उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये चीज़ें भी कभी कभी नई चीज़ें करते रहने चाहिए अपनी बाइक से, ताकि आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी ले सकें अपनी बाइक से। अच्छा, इसकी ब्रेकिंग को लेकर आपको कोई शिकायत लगी या फिर बढ़िया ब्रेकिंग लगी? बिल्कुल ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, तो वैसे जो हिमालयन आती है उसमें डुअल चैनल भी आता है, डुअल सेम इसमें भी आता है, लेकिन इसमें स्विचेबल नहीं आता, तो उसके आपको लगता है या फिर आपके लाइफ में सही तक तो नहीं लगा? बाकी फिर हिल्स पे जाऊंगा तब मुझे ऐसा कुछ फील हो तो पता नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगा। अच्छा, जब आप हिल्स पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगा कि टॉर्क? एक्चुअली इससे हिल्स से नहीं गया मैं, इससे अच्छा। अभी तक फ्लैट पे ही गया हूं। ओके, मेरा बड़ा मन है कि मैं इसको हिल्स पे लेके जाऊं, उसको फिर एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्चुअली एक्सपीरियंस मुझे वहीं पे आने वाला है हिल्स। हां बिल्कुल, मैंने फ्लैट पे चलाई है तो एक्सपीरियंस, क्योंकि यार टूरिंग कर रहे हो और रॉयल एनफील्ड की बाइक हो तो एक्सपीरियंस अलग रहता है, वो भी हिमालयन। हाँ, वो भी हिमालयन कैटेगरी में, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, और इवन कभी सोचना नहीं पड़ता कि यार हम बाइक दब रही है या फिर लोड ज़्यादा ले रही है, तो हिमालयन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है टूरिंग को लेके। अच्छा, जो इसका सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, कितने पैसे खर्च हुए? एक फर्स्ट सर्विस जब मैंने कराई थी तो मेरा उसमें मोबाइल चेंज हुआ था, एक कोई एयर फिल्टर होता है वो चेंज हुआ था, तो वो पहली वाली सर्विस मेरी आई थिंक 2000 की रही थी, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड सर्विस मैंने कराई तो उसमें उन्होंने बोला था कि अभी आपको ऑयल वगैरह नहीं चेंज होना है, तो सेकंड सर्विस 143 रुपये का था, ठीक है। तो और जो उनका बिहेवियर था वो कैसा था? वो लोग, मैं जो सर्विस कराता हूँ वहाँ पे, हाँ। उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो लोग उनका बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पफुल है वो लोग, तो ठीक है। अच्छा, इसको वेट को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है? जब मैंने फर्स्ट डे इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं टेस्ट ड्राइव पे गया था, हाँ। तब जब मैंने इसको स्टैंड हटा के सीधा करा मैंने कहा भाई साहब इतनी हैवी बाइक, लेकिन जब है ना कोई भी बाइक अगर आप जब चलाते रहते हैं तो वो आपके लाइफ स्टाइल हैबिट में आ जाती है, तो आपकी हैबिट में आ जाती है, आपको नहीं लगता है, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो भारी है, लेकिन जो नया बंदा है उसको चलाएगा उसको डेफिनेटली लगेगा कि भाई बहुत हैवी बाइक है। और एक चीज़ और भी है, रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है वो हैवियर साइड में ही रहती है। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने जैसे लेने से पहले सोचा कि यार ये बाइक बहुत बढ़िया लग रही है, ये है वो है, अब आपको लिए हुए ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए, ठीक है, तो स्टिल आप 100 में से कितने परसेंट सेटिस्फाई हैं इस बाइक से? 100%, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर गाड़ी लॉन्च भी अगर हुई है ना, हाँ, तब भी मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन था वो एकदम परफेक्ट था, मैंने एक ऐसी बाइक ली है जो सच में मेरे मतलब की है, और जो चीज़ें मैं इमेजिन करता था वो सब कुछ इसमें, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा गिल्ट नहीं फील होता है कि मैंने अरे यार इतने रुपए में मैं ये बाइक ले लेता या वो बाइक ले लेता, मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ का गिल्ट नहीं है। मतलब आपने आपकी जो चॉइस थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी आपके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो चॉइस और आपका एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड के साथ काफ़ी बढ़िया रहा है। तो खैर, ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड स्ट्रैम 411 का, और तिन भैया का ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी जाके आप इस बाइक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं और इनके चैनल को भी इंजॉय कर सकते हैं। भैया एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा जो चैनल है वो बीइंग सीक्रेट ब्लॉगर नाम से है, और मैं ज़्यादातर अपनी फिटनेस वीडियो डालता हूँ क्योंकि मेरी लाइन यही है, तो वैसे तो मेरा लाइफस्टाइल चैनल है उसमें मैं सब कुछ डालता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस और अपने जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस उस पर शेयर करता हूँ, नई नई चीज़ें भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो भैया का यूट्यूब चैनल है उसको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको यूज़फुल कंटेंट मिल जाएगा। ओनर को स्टिल काफ़ी अच्छी लगती है बाइक, और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा। आई होप आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।